रमजानी चाचा ये शर्त तो पेश कर दो प्लीज। रमजानी चाचा, रमजानी चाचा वो घर पे नहीं है, मुझे दे दे, मैं प्रेस कर देती हूँ। नहीं इट्स ओके, वो आ जाएगा तो कर लेगा, तुम्हें खामखा तकलीफ होगी। तकलीफ की क्या बात है, अपने भी कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, ला दे मुझे। श्योर, थैंक यू, थोड़ा जल्दी कर देना, मीटिंग में पहुंचना है। मैं करती हूँ। थैंक यू। ना क्या हुआ, क्या हुआ? अरे क्या हो गया, तुम ठीक हो ना? करंट लगा क्या? ठीक हो तुम? उधर आओ, छोड़ो इसको, उधर आओ। ऐना तुम ठीक हो ना? तुमने तो मुझे डरा दिया बिल्कुल। सब खैरियत है ना? पता नहीं कैसे करंट लग गया, मुझे तो पता भी नहीं था वायर में स्पार्क है। हैना बीबी, हैना बीबी, आपको किसने कहा था प्रेस करने के लिए? और वो स्त्री वैसे भी स्पार्क कर रही थी, मैंने ठीक कराने के लिए रखी थी। तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? किसको बताता साहब जी, आप दोनों के कपड़े मैं ही तो धोता हूँ, मैं ही स्त्री करता हूँ। आपको भी करंट लग सकता है, किसी और का भी बैठे बैठे नुकसान हो सकता है। कैसे लग जाता साहब जी, मैं ही तो रखता हूँ दूसरी स्त्री, ठीक करवाना रोजाना भूल जाता था, बस हैना बीपी की शामत आनी थी। ये बहुत बड़ी लापरवाही, कुछ भी हो सकता था। हैना उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर पे ले चलता हूँ, आओ। नहीं नहीं हमदाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको ऑफिस से देर हो रही है, आप प्लीज जाएं। प्लीज यार चलो मेरे साथ, बेहतर होगा, डॉक्टर को दिखा देते हैं। तुम एक बार चल लो डॉक्टर पर, मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। नहीं नहीं अमदान, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आपको काम से भी देर हो रही है, आप जाएं, मैं ठीक। ये भाड़ में क्या ऑफिस, तुम्हारी फिक्र हो रही है मुझे ऑनेस्टली। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तुम प्लीज आज कॉलेज मत जाना, घर पे आराम कर। अगर कोई जरूरी सबमिशन है तो मुझे बता दो, मैं ड्रॉप कर दूंगा कॉलेज में। असाइनमेंट मैं कल तक भी सबमिट करवा सकती हूँ, आप आराम से अपने सारे काम करें, मैं मैनेज कर लूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना। थैंक यू। जिंदगी है कितनी हसी है फिर भी कहीं अजब तन्हाई, कैसी है वीरानियां, चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे, कैसी है
आपने देखा जब से हमदान से सुलह हुई है ना, हमारी गुड़िया कितनी खुश है। मेरी तो ये दुआ है कि हमारी गुड़िया इसी तरह खुश रहे, आबाद रहे। इंशाल्लाह। हेलो जी मॉम, मैं हमदान के घर आई हूँ, कुछ काम था, बस अभी थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। बाय। रमजानी। जी 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 बीबी जी, सॉरी गाना सुन रहा था इसलिए आवाज सुनाई नहीं थी। बाहर गुड़िया आई है। क्या गुड़िया भी क्यों आ गई इस वक्त? मुझे क्या पता, जाकर पूछे, बल्कि उसको भेजें यहाँ से। अब आ गई है ना तो जाने का नाम नहीं लेंगी। क्या मतलब, वो इस तरह आ जाती है? जब हमदान साहब पे ज्यादा प्यार आता है ना तो आ जाती है मेरी जिंदगी अजाब करने पे। कभी घर की सेटिंग करवाने लगती है, कभी कपड़े धुलवाने लगती है, कभी वार्डरोब सेट करवाने लगती है, सब कुछ उनके मूड के ऊपर है। अभी तो आप जाकर दरवाजा खोले ना। मैं खोलता हूँ ना, लेकिन आप जाकर कहीं कमरे में छुप जाएं, क्योंकि उनकी तो आदत है पूरे घर में मटरगश करने की। वो पूरे घर की तलाशी लेती है, यही समझ लीजिए। फिलहाल जाकर आप कमरे में छुप जाएं, मैं देखता हूँ। अरे गुड़िया भी, अस्सलाम वालेकुम। आप अचानक इस तरह यहाँ? टाइम क्यों लगा है दरवाजा खोलने में, मैं कब से बाहर खड़ी हूँ। ग्रेवी भी बर्तन धो रहा था ना, तो उसके शोर की आवाज से बेल की आवाज इतना शोर था कि आवाज ही नहीं आई। जी जी। ये घर का क्या हाल बना रखा है रमजानी? मैं तो ईमानदारी के साथ रोजाना सफाई करता हूँ गुड़िया बीबी। वो तो देख ही रहा है, ये क्या हाल है। वही काम ठीक से हुआ ही नहीं हुआ। देखो टेस्टिंग की है तुमने? जी जी गुड़िया बीबी, डस्टिंग भी की थी। ये किसका है, यहाँ पे क्या कर रहा है? ये तो किसी स्टूडेंट की असाइनमेंट है। मुझे क्या पता गुड़िया बीबी, मैं अनपढ़ जाहिल आदमी, मुझे क्या पता क्या लिखा है। ये हमदान साहब यहाँ बैठ के काम करते हैं ना, तो उनको पता है क्या लिखा है। ये हमदान की हैंडराइटिंग नहीं है। वैसे गुड़िया बीबी, आप अचानक इस तरह यहाँ? हमदान साहब तो ऑफिस गए हुए हैं। मैं जानती हूँ कि वो ऑफिस गए हुए हैं, मगर आज मैं उनसे मिलने नहीं आई, बल्कि अपनी सुपरविजन में घर की सफाई करवाने आई हूँ। और देखो तुमने इसको क्या कबाड़ खाना बनाया हुआ है। कबाड़ खाना गुड़िया बीबी, मैं यकीन जानिए बड़ी ईमानदारी के साथ रोजाना सफाई करता हूँ।
वो तो देख रहा है। अच्छा ये कुछ सामान है, जल्दी से हमदान के कमरे में ले आओ। पहले हमदान का कमरा सेट करेंगे, फिर बाकी घर बाद में आकर। हाँ माँ, मैं रख देता हूँ ना। गुड़िया बीबी आप क्यों तकल्लुफ करती हैं? आप बैठे ना यहीं पे, मैं रख देता हूँ। क्या हो गया रमजानी, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं हमदान का काम करके खुश होती हूँ, तो बस जल्दी से वो सामान ले आओ। शर्म होती है, कोई हया होती है। शौहर ऑफिस से आया है थका हारा, उसका बैग ले लूं, कुछ चाय पानी पूछ लूं उससे। तुम्हें ख्याल आया था मेरा जब आधी रात को मुझे वहां अकेला छोड़ आए थे, जब मैं तुम्हारा ख्याल करूं? मुकाबले लगाओगे अब तुम मेरे साथ? मुकाबला नहीं लगा रही, तुम्हें बस बता रही हूँ कि तुम्हारा घटियापन सबको दिखाई भी देता है और उसका जवाब भी देना आता है। बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तुम्हारी। हलक से खींच लूंगा ये जबान, ये पसंद नहीं है मुझे ऐसी बातें। गैरतमंद तो तुम बहुत हो, तो कल रात साबित कर ही चुके हो, घटिया इंसान। इज्जत और गैरत की बात तुम तो मत ही करो मुझसे, क्योंकि अगर तुम लोग इतने इज्जतदार होते तो तुम्हारी बहन कभी घर छोड़ के ना भागती। लिहाजा ये ढकोसले जो है ना, ये बंद कर दो, ये असर तो होगा नहीं मुझ पे कोई इनका। इस तरह से खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना चाबियां लेकर आओ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? चाबियां लेकर आओ। ठीक है, जाता हूं लेके आता हूं बीबी जी चाबी। रमजानी ले भी आओ चाबियां, नई चाबियां बनाने बैठ गया है। जी 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 बीबी, बीबी जी ला रहा हूं। पता नहीं ऐसा क्या है कमरे में जो तुम चाहते हो मैं ना देखूं? क्या करते रहते हो हमदान की गैर मौजूदगी में? पता नहीं, कोई चेक रखने वाला ही नहीं है। अल्लाह खैर कर तू मालिक। रमजानी आ भी जाओ। जी जी आया बीबी जी आया। जी बीबी जी। बीबी जी आपका फोन बज रहा है, आप ये देना, मैं कोशिश करता हूँ खोलने की, आप जाए फोन सुन ले। तो तुम ले आओ मेरा फोन। बीबी जी मैं कोशिश कर लेता हूँ ना, मैं खोल लेता हूँ दरवाजा, आप फोन सुन ले प्लीज। मुझे ये दरवाजा हर हाल में खुला हुआ चाहिए, मैं फोन देख कर आ रही हूँ, दरवाजा खोलो। हेलो जी मॉम। नहीं नहीं अभी यहाँ पर कुछ काम बाकी है,
थोड़ी देर में काम खत्म करके आ जाऊंगी। ओह गॉड, ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। हाँ मैं कह तो रही हूँ कि अभी आ रही हूँ। रमजानी जी 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 बीबी जी, मॉम का फोन था, मुझे घर जाना पड़ेगा, मगर मैं कुछ दिन बाद दोबारा आऊंगी। अभी जो काम शुरू किया है आप वो समेट लीजिएगा, ठीक है? जी 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 बिल्कुल। वो है ना बीबी, आराम से बैठे चली गई वो।